हलो फ्रेंड्स इनकी नम्बर पाकपो कुछ पाकपो अर अरे को वांगी वो ना सुी एचाची चिन्न वंगायों तक्काली तेंगा तेंगाले वे अरेकलांग पाकल मिक्सी जार मिगुको इतना सोबको इतना वो जीरको इतने ना नईसा अरेकोमारी वो नईसा ना अरेको इलाब ताल अरे वो कुरे वे अलबान ऊतिव ना कायटो एन ना का नम्ब सोबकल सोब ना परियट अरक वायटकल इत कु नहीं पट ग्रापु ऐलका तालिका अब साधारण कोई आटकोलीं वह सोबू इंजीपू पेस्ट सेना ना टेस्टा इतक ना करवकू तालिकमाटो कड़सिया करवे मेल पटको ना वदक अटकोम तक ना वदको इसलिए सोब मिगु वे जीरक वे अरेक अंत अरेक वास मटमकोल कुटग्रामीन अटकोलीसमें नम्बर ना वदक्रे कवची ऐसे नम्बर कल मंज तूल ना कलर कवचल अटिका इत को ना वदंगो अदंगे उप वदकना ना वदंग इंजीपू इंजीपूट ना वदक ना वदंगो अंज निम्स पचवासम सिमले वो पचवासम होली नाटकोल वो अंदर सदा एलुदा आना वो टेस्ट नोली करी सापड़ोड़ इतनी करी वांगी सापड़ें इतना उड़मुख ना कुछ ब्रायलर कुी ना वदकल करी वो ना वदंगी इलाम मिगूल पटकल ना इे मंज तूल मंजल अरेचरक मंज तूल पड़ल उ नहीं अरेक मंज तूल सेको इतना वो ना कुूल कुलाव मल तू मिगू मंज तूल वदको ना इन करी मसाल पड़ी ना वदको इतना वो ना वदको वदक नम्बर तेजा सोब जीरक मिगु वरे ऊतिकल मिक्सि जार तनिया कल ना वद वद उठे अंत मिक्सि जार ते कल ऊतिकल उ कुमो अंदर तं ऊपर इतनी उपल से पड़को मोद वो कुछ पटर इंदुक उपड़मो अंदरको इमुक तनी देवपड़मो अंदर ऊतिकल उंगुक्कु कुलम्बा वेणुम्ना तन्नी कोंजम कूड़ वच्चुकोंगा ग्रेविया वेणुम्ना करेक्टा तन्नी तिट्टमा करिक्कि वच्चिक्किट्टींगन्ना वंदु नम्म विसिल उट्टु एडुत्तुक्कलाम इदुक्कु वंदु ओरु 8 इल्ल 9 विसिल उट्टुकोंगा एना इदु वंदु एलुम्बा दान इरुक्कुम करी अवलोक्कु इरुक्काधु अदनाल 8 9 विसिल उट्टुकोंगा
இது கொஞ்சம் ஒரு கொதி கொதிக்கட்டும். கொதிச்ச பிறகு நம்ம மூடிக்கலாம். குழம்பு வந்து நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. இப்போ வந்து குக்கர் போட்டு நம்ம மூடிக்குவோம். இதே வந்து நம்ம பாத்திரத்தில் செய்யலாம், ஆனால் லேட் ஆகும். அதனால தான் குக்கரில் விசில் விட்டுறேன். பாத்திரத்தில் செய்கிற மாதிரியே செஞ்சுட்டு குக்கரில் மட்டும்தான் விசில் விட போகிறோம். இது 8-9 விசில் விட்டுக்கோங்க. அப்போ தான் நல்லா சாஃப்டாக வெந்திருக்கும் எலும்பெல்லாம். இப்போ இதை மூடி போட்டுக்கலாம். குக்கர் மூடி போட்டாச்சு. விசில் வந்தோடனே ஸ்டீம் போன பிறகு தான் மூடியை திறக்கணும். விசில் வரட்டும், அதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம். இப்போ நாட்டுக்கோழி குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த அளவுக்கு இப்படி இருக்குது, நல்லா வெந்திருக்குது. இந்த மாதிரி நீங்கள் விசில் விட்டுட்டு நல்லா ஸ்டீம் போன பிறகு ஆஃப் பண்ணுங்க. இப்போ இதில் தேவையான அளவுக்கு வந்து கருவேப்பிலையை போட்டுக்கலாம். இதை ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றிக்குவோம். பாத்திரத்தில் வந்து மாற்றியாச்சு. இப்போ கறி நல்லா வெந்திருக்கு குழம்பில். இந்த குழம்பு வந்து ரைஸ்க்கும் வச்சுக்கலாம், சப்பாத்தி இட்லி தோசை எல்லாத்துக்குமே யூஸ் ஆகும். நல்லாயிருக்கும், ஆப்பத்துக்கு கூட நல்லாயிருக்கும். இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா என்னுடைய சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.